कोलकाता के खिलाफ आखिरी ओवर में मुंबई की टीम को मिली शर्मनाक हार। कोलकाता के खिलाफ हार के साथ टूटा मुंबई के प्लेऑफ का सपना। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी, सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस टीम के फैन तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें अगर इस रिपोर्ट की, दरअसल भाई कल यहाँ पे आईपीएल 2024 का 60वां T20 मैच खेला गया, जहाँ पे एक तरफ के क्या तो दूसरी तरफ MI की टीम थी। हालांकि इस मैच में MI की टीम ने टॉस जीत कर गेंदबाजी चुनी थी तो KKR की टीम ने पहले बल्लेबाजी करी थी और ये मुकाबला बायस के कारण 16 ओवर का कर दिया गया था। तो KKR ने 16 ओवर में 7 विकेट खोकर 157 रनों का स्कोर तो खड़ा किया, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम इस स्कोर को भी चेज ना कर पाई। जी हाँ, मुंबई इंडियंस की टीम ने 16 ओवर में केवल 8 विकेट खोकर 139 रन ही बनाए और KKR की टीम ये मुकाबला 18 रनों के अंतर पे जीत गए। लेकिन इसके साथ साथ जब मुंबई इंडियंस की टीम ये मुकाबला हारी तो मुंबई इंडियंस टीम का अब प्लेऑफ में जाने का सपना ही पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। दरअसल पहले यहाँ पे मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ में जा सकती थी क्योंकि उसके 2 मुकाबले बचे थे, और ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस की टीम 2 मुकाबले लगातार जीतती और लखनऊ दिल्ली CSK की टीम मुकाबले हार जाती तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस आसानी से प्लेऑफ में जगह बना सकती थी। लेकिन यह मुंबई इंडियंस की टीम अपना जब ये मुकाबला हार गई 13वां मैच, तो ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम का प्लेऑफ में जाने का चकनाचूर सपना पूरी तरीके से टूट चुका है। क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने 13 मैचेस खेल लिए, 13 मैचेस में 4 मैच जीते हैं, 9 मैच हारे और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक और नेट रन रेट भी इनका 0.271 है, जिससे पता चलेगा कि मुंबई इंडियंस की टीम अब प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगले साल मुंबई इंडियंस की टीम यानी कि 2025 में प्लेऑफ का फाइनल मुकाबला जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।